करें कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन महेंद्र जीत सिंह मालविया बांसवाड़ा, वो बांसवाड़ा, लेकिन अनीता बघेल क्या कुछ कह रही है, सुनिए। मैंने अपने बूथ पर पहला वोट किया है और अपने भगवान राम के लिए किया है, इसलिए मुझे खुशी है कि मैंने अपना एक वोट किया। ये मेरा एक वोट जो है वो हमारे देश की दिशा बदलने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसलिए एक एक मत से ही सरकारें बनती हैं और वो एक मत से ही हम ये तय कर पाते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होने वाला है। इसलिए मैंने कमल के फूल पर आता से विनम्र अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रवाद के लिए मुझे स्नेह प्रेम आशीर्वाद वोट सपोर्ट देकर जिताऊं। आपके सामने एक अनुभवी चेहरा है और 5 साल यहां सेवा कर चुका है, 9 से 14 तक केंद्र में मंत्री भी रहा है, क्या कुछ कहना? चुनाव NDA वर्सेज इंडिया अलायंस है, नरेंद्र मोदी जी वर्सेज ऑल है। चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और 2009 को 15 बरस हो गए, गंगा जी में बहुत पानी बह गया, न 2009 की कांग्रेस बची है और न अब 2009 की भाजपा है, ये मोदी युग की भाजपा है। हमारे सब कार्यकर्ता सामूहिक ऊर्जा से एकमुखी होकर मुस्तैद हैं, प्रचंड बहुमत से जीत मिलेगी। तो देखिए, दामोदर अग्रवाल ने साफ कहा है कि 15 साल पहले की बातें भूल जाओ, और अब देखिए पूरे परिवार के साथ ये ब्रॉडकास्ट करने जा रहे हैं, इनकी पत्नी साथ है, इनकी बेटियां दोनों साथ हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के दामोदर अग्रवाल बातचीत भी उन्होंने की और सपरिवार ब्रॉडकास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। 7 बजने के साथ ही जिस तरह से वोटिंग शुरू हुई और सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं, ज्यादातर VIPs हैं वो पहुंच चुके हैं, कैंडिडेट हो मंत्री हो वो तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। विनोद लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और वही अहम तस्वीरें हैं। हालांकि सवाईमाधोपुर में भी वोट कास्ट कर रहे लोग, हर जगह से जो तस्वीरें आ रही है कतारें अब नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था, मॉक पोल के बाद ही लोग कतार में लगने लगे थे ताकि 7 बजने के साथ ही वोटिंग शुरू होने के साथ ही वो अपने मत का प्रयोग कर सके। और यही तस्वीरें बयां कर रही है कि बढ़ चढ़कर वोटर्स हिस्सा ले रहे हैं और कोशिश भी सभी की यही कि वोटिंग प्रतिशत दूसरे चरण में बेहतर हो पिछले चरण से। बिल्कुल, और श्वेता देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है या कहीं कि एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि मतदाता रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें, आपका वोट आपकी आवाज है, ज्यादा मतदान से लोकतंत्र मजबूत होता है, युवा मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करें। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी दिनेश डांगी महेंद्रजीत सिंह मालविया से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। सारा 2 जिले हैं और अभी से मैं निकलूंगा दोनों ही जिलों में, जहां पर मैं पहुंच सकता हूं वहां पे पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। किस तरह की तैयारियां देखी, यहां लाइट की व्यवस्था आपने क्या? थोड़ी सी लाइट की दिक्कत थी, इसके लिए तुरंत बल्ब लगाकर आम जनता को ठीक ढंग से दिखे इसके लिए हमने व्यवस्था कराई। जैसे आपकी सीट थी, आपने इस्तीफा दिया, बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या कहना है, वहां भी मुकाबला क्या एक तरफा या त्रिकोणीय है? देखो, इस सीट के ऊपर पिछले 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ, कोई परिवार कोई घर ऐसा बाकी नहीं रहा जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ और काम नहीं किया है। ये सीट मैंने खाली की है, आगे भी मुझे ही काम करना है और इस सीट के ऊपर सुभाष तम्बोलिया बम्पर वोट से जीत के राजस्थान विधानसभा में पहुँचेंगे। मालवीय जी, कड़ी अग्नि परीक्षा है, कांग्रेस ने इसलिए बाप से हाथ मिलाया कि मालवीय जी जीत जाएंगे तो दोनों जिलों में कांग्रेस किस तरह जिंदा रह पाएगी? जैसे कर्म उन्होंने किए हैं वैसा ही फल वो भुगत रहे हैं। पहला ये मौका है कि कांग्रेस का सिंबल होते हुए कांग्रेस इनका प्रचार नहीं कर पा रही है, बल्कि कांग्रेस हाथ के निशान के खिलाफ में मतदान करा रही है। क्या किस तरह यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक चलेगा, राष्ट्रवाद की भी लहर है? मोदी साहब एक अलग तरह के नेता हैं देश के, वो सभी समाज को सभी क्षेत्र को सबका विकास सबका साथ के नाम के नारे के ऊपर काम करते हैं। और जैसे वो 21 तारीख को आए थे, इसके बाद तो वागड़ का माहौल एक अलग बना है।
बिल्कुल, तो वोट कास्ट करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, अपनी बात यहाँ पर रख रहे थे कि किस तरह से आश्वस्त जीत को लेकर, क्योंकि ये सीट उन्होंने खाली की, विधानसभा की उपचुनाव भी यहाँ पर है। लेकिन देखिए, तस्वीरें तो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन हमारे साथ साथ सहयोगी भी जुड़े, उनसे भी पहले हम रूबरू कराते हैं आपको। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, और साथ ही ऐश्वर्य प्रधान है, वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ है। हम इनसे भी चर्चा करें क्योंकि बहुत कुछ है बात करने के लिए आज। लेकिन जो सहयोगी फील्ड पर है उनके भी रुख कर लेते हैं, जियाउद्दीन का रुख करते हैं। जिया, क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि 7 बजने के साथ ही जिस तरह से कतारें भी नजर आने लगी है वोट कास्ट करने के लिए, वीआईपीज भी पहुंच रहे हैं, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीर भी जरा बयां कीजिए। देखिएगा कि मैं मौजूद हूं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के सवाई माधोपुर विधानसभा के बूथ नंबर 193 पे, और आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान प्रक्रिया शुरू हुई बूथ के ऊपर इस तरह से लाइन लग चुकी है। बड़ी तादाद के अंदर महिलाएं हों पुरुष हों वो वोटिंग करने के नहीं आ रहे हैं, चूँकि जिस तरह से यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सुबह 7 बजे से ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं निर्वाचन विभाग हो या राजनीतिक दल हो, तमाम जो पार्टियों की ओर से जो अपील की गई थी उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पे 2119 बूथ बनाए गए हैं, जिनके ऊपर तमाम जो बूथ हैं उनके ऊपर मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कहीं कुछ परेशानी आई थी, सामने दिक्कत आई थी, उनको तत्काल दूर कर लिया गया है। फिलहाल सभी जगह पे पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर, टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि जहाँ कांग्रेस ने देवली उनियारा से जो विधायक हैं हरीश मीणा उनको अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं बीजेपी ने 2 बार से सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया के ऊपर फिर से दाव खेला है। दोनों के अंदर कांटे की टक्कर है, दोनों के अपने अपने ओर से जीत का दावा कर रहे हैं, और अब मतदाता जो हैं उनके भाग्य का फैसला ईवीएम के अंदर कैद कर रहे हैं, और जब नतीजे सामने आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा कि मतदाताओं ने किसके भाग्य का फैसला किया। चूंकि इस लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभाएं और 8 विधानसभा लेकिन योगेश जी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि राजस्थान का भरोसा फर्स्ट इंडिया है, और जब फर्स्ट इंडिया के नाम से कुछ खबर वायरल होती है तो जनता भरोसा करती है। लेकिन एक खबर जो फर्जी खबर थी, उदयपुर से जुड़ी हुई, बीएपी से जुड़ी हुई, जो रात को वायरल हुई, उसको लेकर हम आपसे चाहेंगे कि किस तरीके से वायरल हुई और क्या उसकी हकीकत है। देखिए विजेंद्र, कल रात को तकरीबन 12:30 बजे के करीब एक फेक खबर चलती है कि उदयपुर में बीएपी के उम्मीदवार ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। फिर रात को ही बीएपी के उम्मीदवार की ओर से एक वीडियो वायरल होता है, उस वीडियो वायरल करके वो बताते हैं कि हमने समर्थन नहीं दिया है, भारतीय आदिवासी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो चुनावी समर में डटा है, खड़ा है, और किसी भी अन्य दल को समर्थन नहीं दिया। लेकिन क्योंकि वो हमारी चैनल का नाम लेकर चली थी, इसलिए इस तरह की खबरों को लेकर जनता भी ध्यान रखे। जिस तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं चुनाव के समय, उसका कहा जा सकता है कि फेक खबरों को लेकर सचेत रहें, आगाह रहें। ठीक है, यानी कि गठबंधन बांसवाड़ा डूंगरपुर पर कांग्रेस ने किया है, बीएपी ने उदयपुर सीट पर गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं किया है। राजसमंद का रुख कर लेते हैं। श्वेता मेरे सहयोगी अभिषेक वहां से जुड़े हुए। अभिषेक, राजसमंद में किस बूथ पर आप मौजूद, और क्या किसी बड़े नेता ने अभी तक वोट डाला है? देखिए विजेंद्र, मैं यहाँ पे राजसमंद लोकसभा सीट पे जो सुखाड़िया नगर है वहाँ पे जो राजकीय स्कूल है वहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से जो है 7 बजे से जब से मतदान शुरू हुआ उससे पहले ही मतदाता यहाँ पहुँचने लग गए थे, और यहाँ पर मतदाताओं की कतार आप कह सकते हैं। ये राजसमंद, ये जो नाथ द्वारा है यहाँ का, ये सबसे बड़ा जो है मतदान केंद्र माना जाता है, पौश इलाका है। आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पर मतदाताओं में किस तरह उत्साह है उसकी नज़ीर मैं आपको बताता हूँ। ये यूथ है जो यहाँ पर वोट देने आए, इनके पैर में लगी हुई थी लगी तब भी ये आए हैं। और क्या नाम है आपका? दीक्षिता व्यास। तो वोट आप देने आए, आपके पैर में भी जो है चोट है उसके बाद भी? हाँ, क्योंकि वोट देना अपना अधिकार है, इसलिए। देखिए ये कह रहे हैं कि वोट देना अपना अधिकार है, तो ये जो आपने जब वोट दिया तो क्या लोकल मुद्दे को ध्यान में रखा? लोकल मुद्दे यहाँ के क्या समझते हैं कि एक जो सांसद अगर बनता है कोई यहाँ के प्रत्याशी, तो क्या यहाँ पे स्थानीय समस्या क्या सॉल्व होनी चाहिए? रोजगार है सबसे बड़ा मुद्दा, तो अपने देश में भी और सब जगह भी, और साफ सफाई है सबसे बड़ा मुद्दा, ये दोनों सबसे बड़े मुद्दे को रख के मैंने वोट किया। अच्छा, कोई ये जैसे बेरोजगारी की बात करें तो एक तरह से ये नेशनल मुद्दा है, और इसके अलावा ऐसे कौन से, जब आपने वोट दिया तो आपने स्थानीय मुद्दों को ध्यान रखा या जो है राष्ट्रीय मुद्दों को फोकस किया? दोनों को, दोनों को।
और भी हमारे साथ यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत की कोशिश करेंगे। अभिषेक, बिल्कुल लोगों की प्रतिक्रिया भी लगातार आ रही है और हम वापस आपका भी रुख करेंगे क्योंकि लंबी कतारें हैं और यही तस्वीर है जो कम से कम राजस्थान की जनता तो यही देखना चाहती है कि लोग यहाँ पर कतार में मौजूद रहे, जल्दी पहुंचे, घर से निकले और वोट कास्ट करें। सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उदयपुर से रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, बेहद अहम है उदयपुर सीट की जब बात करते हो, और इससे पहले भी योगेश जी बता ही रहे थे कि उदयपुर सीट को लेकर ही भ्रामक तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन रवि आपका रुख करें। तृप्ति भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तृप्ति, झालावाड़ बेहद अहम सीट है, हॉट सीट है, क्या कुछ और तस्वीरें वहां से आई और क्या वीआईपीज भी पहुंच रहे हैं वहां पर वोट कास्ट करने के लिए, अगर हम खासतौर से कैंडिडेट की बात करें तो? बिल्कुल श्वेता, हॉट सीट आपने सही कहा, झालावाड़ वो जगह जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ का पोलिंग बूथ ये है। और जैसा कि आपने कहा कि मुख्य मतलब कह सकते हैं अतिथि भी ना कहेंगे, कैंडिडेट्स हम ये कह सकते हैं कि अभी दुष्यंत सिंह जो है वो राड़ी के बालाजी पहुंचे थे और उन्होंने पूजा अर्चना वहां पर पूरी की, बेटे विनायक सिंह के साथ वो पहुंचे थे और अब 7:15 का वो समय जब ये कहा जा रहा है कि इसी पोलिंग बूथ पर वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगी, अपने पौत्र के साथ में वो यहां पर मतदान करेंगी। बिल्कुल तृप्ति, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर दरअसल क्या है देखिए, क्योंकि वोटिंग की हर एक अपडेट हम आपको देंगे। उदयपुर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है और वैसे 88 सीटों पर मतदान जारी है, लेकिन वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर की बूथ नंबर 144 पिडोलिया में वीवीपैट खराब हो गई है। उदयपुर में लोकसभा चुनाव के बीच ये पहला अपडेट, वीवीपैट खराब होना, ये थोड़ा सा अटपटा सा, क्योंकि हमने बैलेट यूनिट को खराब होते हुए देखा है। यहां इस तरीके से वीवीपैट का खराब होना, क्या जो अलग से रखी गई हैं उनको इसमें श्वेता रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 10 मिनट में जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम चीजों को रिप्लेस कर देंगे। मेरे से होगी रवि जुड़े हैं, रवि, क्योंकि इस तरीके की खबरें आती हैं, एक बड़ा चुनाव है, 15-16 हजार से ज्यादा बूथों पर वोटिंग हो रही है, एक दो जगह इस तरीके की समस्या आ सकती है, उदयपुर का अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए बल्लभ नगर, माफ़ कीजिएगा विजेंद्र, उदयपुर में जो है सुबह से जब से मतदान शुरू हुआ है एक लंबी कतारें जो हैं वो तमाम मतदान केंद्रों पर देखी जा सकती हैं। आप देखिए, मैं अभी सेक्टर 14 के जो मतदान केंद्र है नवजीवन स्कूल का, यहाँ पर हूँ। आप देखिए यहाँ पर अलग अलग जो बूथ बनाए गए हैं वहाँ पर लंबी कतारें, सुबह से जो पहले चरण में वोटिंग कम हुई उसके बाद दूसरे चरण में ये जो नज़ारा है ये सुखद कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों में उत्साह जो है, जैसी वोटिंग शुरू होनी थी उससे पहले ही बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये एक सुखद संदेश जो है वो कहा जा सकता है। महिला पुरुष तमाम जो है वो यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उदयपुर सीट से मन्नालाल रावत, वो भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। मन्नालाल जी, ये खुशी जो है बड़ी आपके चेहरे पर जो है नजर आ रही है, इस खुशी को कैसे आप विश्वास में तब्दील करने के लिए तैयार हैं और आज वोट करने खुद भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं? जी, एक अपना नागरिक कर्तव्य है कि हम सभी लोकतंत्र के महापर्व में भाग लें और उसी का रूपे में भैया से कह रहा था, मैं आपके साथ साथ चल रहा हूं, आपके पीछे भी चल रहा हूं, इस बात पर हम चर्चा करें तो ये पॉजिटिविटी है और अच्छा लगता है। ठीक है रवि, वाकई में क्योंकि आज आम और खास सब सामान्य, लेकिन श्वेता हम तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि वैभव गहलोत जालौर सिरोही से चुनावी मैदान में और आशीर्वाद लिया है, पिता से, माता से आशीर्वाद लिया जा रहा है, बड़ी बहन से आशीर्वाद लिया जा रहा है और पूरा परिवार पूजा अर्चना करने के बाद अब अपने क्षेत्र में निकलेंगे, क्योंकि जोधपुर से वो बीता चुनाव हार गए थे, इस बार जालौर सिरोही से चुनावी मैदान में है और उस तरीके की तस्वीरें जो शायद जनता के बीच में होनी चाहिए। हालांकि लुम्बाराम चौधरी जो बीजेपी से कैंडिडेट है उनके भी चरण स्पर्श करते हुए वैभव गहलोत प्रचार के दौरान नजर आए थे। श्वेता, भीलवाड़ा का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी विनोद जुड़े हैं सीट और हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान वहां पर मौजूद है जो सुबह से ही हमें लगातार अपडेट भी यहाँ पर दे रहे थे। विनोद, बेहद अहम भीलवाड़ा सीट, इससे पहले भी आपने दिखाया था मॉक पोल हो रही थी, लेकिन अभी क्या तस्वीरें हैं, क्या वीआईपी पहुंचे वहां पर वोट कास्ट करने के लिए, क्या भीलवाड़ा में भी वैसा ही नजारा है, लंबी कतारें बूथ पर या भी इंतजार है? जी बिल्कुल, देखिए, जी बिल्कुल, भीलवाड़ा का ये आदर्श बूथ है, बूथ नंबर 191, जहां 7:45 बजे से लंबी कतारें लग चुकी थी,
कैमरामैन तीरथ आपको दिखाएंगे कि किस तरह का नज़ारा, देखिए हर उम्र का उम्मीदवार आपको यहाँ मिल जाएगा, बुजुर्ग से लेकर जवान। और बड़ी बात यह है कि मैं फिर कहूँगा कैमरामैन को दिखाएंगे कि बीजेपी के प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल भी यहाँ लाइन में खड़े हैं परिवार के साथ। 7:05 पे ये पहुँचे, 5 मिनट लेट होना देखा उम्मीदवार के लिए भी भारी पड़ सकता है, एक लंबी कतार में लगे हैं। अच्छी बात यह है कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वीआईपी होने के बावजूद इन्होंने कहा कि परिवार पूरा, जो 5 लोग इनके साथ आए हैं परिवार के, वो 5ों लोग लाइन में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये आदर्श बूथ बनाया गया है जहाँ बाहर आप देखेंगे करीब 15 तरह के स्लोगन लगाए गए हैं कि 100% यानी 100% मतदान आवश्यक है। पहले चरण को देखते हुए निर्वाचन विभाग भी सतर्क हो गया है और यही नज़ारा भीलवाड़ा शहर के अन्य बूथों पर देखा गया है। महिला की संख्या काफी ज्यादा नजर आ रही है, अगर मुमकिन है तो एक बार तेजी से उनसे बातचीत कीजिए ना, किन मुद्दों के आधार पर वो वोट डालने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या शुभ नाम है आपका? डिंपल सोडानी। सोडानी जी, क्या मुद्दे हैं और किन चीजों को लेकर आप मतदान करें? विकास अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है जो अभी जरूरी है, और भीलवाड़ा तो वैसे भी अब इस कब से चिंता कर रहा है कि अपना विकास कब मिलेगा, हमको एक अच्छा प्रत्याशी मिले जो आगे जाकर हमारी बात कह सके, वही एक सर। देखिए अनुभवी चेहरा भी आपके सामने है, सीपी जोशी जो है वो पूर्व में विकास किए गए, चंबल का पानी लाए, सड़कों का जाल बिछाया, अब क्या मानते हैं, क्या समस्याएं जिनको पूरा है? सड़कों की सफाई, रख रखाव, टेक्सटाइल मार्केट में इतना समझती नहीं हूँ पर वो एक अच्छी मांग लग रही थी कब से लोगों को कि उसकी जरूरत है हमें, तो हमको लगता है कि। और चलो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, लगातार जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर बूंदी जिले में 3 जगह CU VVPAT में आई है तकनीकी खराबी, इंजीनियर यहाँ दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, इसे जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाए, इंजीनियर्स यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। बूंदी जिले में 3 जगह से यह खबर आई है जहाँ पर VVPAT में तकनीकी खामी आई है, और हालांकि जैसा कहा भी जा रहा था कि तुरंत ही इसे ठीक किया जाएगा, ठीक नहीं हो पाती, वक्त लगता है तो इसे रिप्लेस किया जाएगा, और वही एक कोशिश की जा रही है। जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, ये दूसरी अहम खबर विजेंद्र अभी तक में आ चुकी है, 7 बजे वोटिंग शुरू होने के साथ, और क्योंकि CU मतलब सेंट्रल यूनिट VVPAT, और इसके बाद एक ही चीज बचती है बैलेट यूनिट, मानकर चलिए तीनों जगह पर फिलहाल वोटिंग करने की स्थिति में नहीं, और ये पूरा ही सिस्टम यहां पर बदलना पड़ेगा। अभिषेक हमारे सहयोगी राजसमंद से बने हुए हैं। अभिषेक, क्योंकि राजसमंद खास है, इसलिए खास है क्योंकि राज परिवार वहां से मैदान में है, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पर कैंडिडेट अलग तरीके से बदला, सुदर्शन रावत चले गए, फिर सीपी जोशी का नाम आया, फिर भीलवाड़ा के कैंडिडेट को यहां लाए, इन मुद्दों को छोड़ भी दिया जाए तो जनता से जरा पूछिए कैसा इस बार का चुनाव उनको लग रहा है और किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल विजेंद्र, इस बार का जो दूसरा चरण है इसमें आप देख सकते हैं कि वाकई जो है उत्साह है, जो सुबह 7 बजे से पहले से ही यहाँ पर मतदाता पहुँचने लग गए थे, आप देख सकते हैं किस तरह से मतदाताओं की कतारें यहाँ पे लगी हुई है। ये सुखाड़िया नगर है, पौश इलाका है, कुछ मतदाता हमसे बातचीत के लिए भी यहाँ खड़े हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा फर्स्ट वोटर, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं मैम, तो आप जब वोट देने आए तो अपने वोट देने से पहले आपने क्या किसी से राय ली, या आपके पेरेंट्स ने या गार्जियन ने आपको समझाया कहाँ वोट देना है? हमारे साथ मतदाता है मैडम, आप यहाँ वोट डालने आई हैं तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ वोट दे रहे हैं? देखो, देश हित के सबसे पहले हमारे देश की सुरक्षा हमारा पहला अधिकार है, और जब देश सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, तो देश सुरक्षित रहेगा मुद्दा इनके देश की सुरक्षा है। मैडम आप क्या मानती है, क्या मुद्दे हैं और किन के आधार पर आपने वोट दिया है? यही बोलने की स्थिति में नहीं है और बताएं। हाँ सर, ये राष्ट्र के लिए हमारी जो एक आहुति है, और राष्ट्रीय बात के लिए मैं आज से नहीं, सन 87 में मेरे को राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने अवार्ड दिया था, तभी से प्रजातंत्र के लिए मैं लगातार यहाँ सक्रिय रहा। प्रजातंत्र के लिए ये सक्रिय है यहाँ पर, और लगातार जो है वोटिंग के लिए आप देख सकते हैं कि और भी लोग बोझे, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? गोविंद काबरा। सर यहाँ वोट डालने आए, पिछले जो चरण था उसमें मतदान कम हुआ था, तो इस बार जो है काफ़ी पहले जो लोग पहुँच गए यहाँ पे, सुबह से मतदान शुरू हो गया, क्या मतलब जो है मुद्दे रहेंगे आपके दिमाग में वोट डालते समय? वोट डालना है, वोट मतदान ज़्यादा करना है। नहीं, वोट डालना है वो ठीक है, लेकिन जब आप प्रत्याशी का चयन करेंगे, जब आप EVM पर बटन दबाएंगे, तो किस प्रत्याशी के आगे बटन दबाएंगे, तो उसके पीछे क्या आपकी सोच है, क्या मुद्दे हैं? सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ये महंगाई बेरोजगारी कम होनी चाहिए, ये मुद्दा है। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा मतदाता बता रहे हैं,
सर आप बताएं आपका क्या नाम है? देश का विकास होना चाहिए, अनंत माहेश्वरी। अभिषेक बिल्कुल, देखिए महंगाई, बेरोजगारी, विकास, ये वो अहम मुद्दे हैं जिसे लेकर ही ये जो लंबी कतारें नजर आ रही हैं, और इसलिए वो समझते हैं कि हमें हक है और इस हक का उपयोग करेंगे वोट कास्ट करके। इस बीच अहम